लक्ष्मी नारायण मंदिर के हो रहे व्यवसायीकरण पर शिवसेना ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अवैध निर्माण में अपनी आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही यहां हो रहे दुकानों के अवैध निर्माण पर भी शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान शिवसेना के प्रतिनिधियों ने मंदिर परिसर में बनाई गई दुकानों की जगह पर मंदिर को विस्तार देने और उसे भव्यता प्रदान करने की मांग भी उठाई। बहरहाल सिविल कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे खींचा सकेगी। काफ़ी पुराना मंदिर है अपने जयस्तंभ चौराहे पर जी। आपके कम से कम ज़्यादा नहीं, हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, 100 साल पुराना समथिंग मंदिर है। उस पर पहले वो अपने बाबा जी पहले थे गोपालपुरी जी पूरी इसकी संचालन करते थे उसका। वो 8-9 साल से गायब हैं और इन जो बाबा अभी है वर्तमान में बाबा हैं इनका कोई पता ठिकाना नहीं है किस मठ ने इसने नियुक्त किया है, किन लोगों ने इन्हें बैठाया है। ये कोई सूचना न प्रशासन को दी गई है, ना आम जनता को दी गई है, ना किसी लोगों को, ऐसे कोई मठ वाले बाबाओं को ना बताया गया है। इससे हमारा सिर्फ हमारा निवेदन ये है कि जो मंदिर का निर्माण जो हो रहा है बाहर का, हमें मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर जितना कि हमारे गुना जिले का मंदिर है, गुना जिले के कम से कम पूरा गुना जिला गुना नगर पूरे कितनी सत्यनारायण मंदिर है हमारा गुना जयस्तंभ चौराहे का। इसमें गुना जैसे कि आपके नवदुर्गे हैं, आपने जन्माष्टमी है, और भी कई त्यौहार होते हैं हमने हिंदू धर्म के, उस पर काफ़ी भीड़ मचती है इस चीज़ पे। आप क्या चाहते हैं? बाकी हम चाहते हैं सिर्फ हमारा ये मंदिर दुकानें यहाँ नहीं बने, सिर्फ मंदिर का निर्माण हो, बढ़िया तरीके से भव्य मंदिर बने, बढ़िया चारों तरफ से बढ़िया बाउंड्री हो, प्रशासन फैंसी गेट लगे। शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, हम अपर कलेक्टर को भी एक आवेदन दे चुके हैं, अपने न्यास गर्ग जी को, और एक आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं, और एक SP महोदय पर भी एक आवेदन प्राप्त दे चुके हैं। उनकी प्राप्ति है हमारे पास, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है, और उस पर स्टे ऑर्डर भी है उसका कोर्ट का भी, उसके बाद भी अवहेलना हो रही है, उसकी कोर्ट की अवहेलना हो रही है। और आपके जो हमारे सब हमारे पास कागज़ हैं जी।